चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस बैग को बनाने के लिए इस तरीके से मैं पुरानी बेडशीट का यूज कर रही हूँ। कोई भी आपके पास कॉटन की बेडशीट हो जिसका आप यूज ना करते हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें से पीसेस कट कर लेते हैं। इस तरीके से मैंने क्विल्टेड पीस रेडी कर लिया। ऊपर बेडशीट का कपड़ा, नीचे कोई भी लाइनिंग, कोई भी पुराना कपड़ा यूज कर सकते हैं। बीच में फॉर्म शीट, और अगर आपके पास फॉर्म शीट नहीं है तो राइस बैग, सीमेंट बोरी या बुकरम होता है जो हम पोचों में यूज करते हैं सलवार के, वो भी आप डाल सकते हैं। तो इस तरीके से डालते हुए उस पर मैंने सिलाई लगाई हुई है। इसके मेजरमेंट बता देती हूँ मैं आपको क्या है। ये है 13 इंच और इसके विड्थ मैंने ली है 8.5 इंच। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसमें जिपर इंसर्ट करेंगे। तो किसी अब हम इसे फिनिश कर लेते हैं। इस तरीके से रखना है इसे फोल्ड करते हुए, यहां से लेके यहां तक इस पर सिलाई लगा लीजिए। ये देखिए, ये मैंने सिलाई लगा ली। इसे इस तरीके से सीधा कर लीजिए। ये देखिए, तो ये जिप का फिनिश हो गया। जैसे इस तरफ से फिनिश किया है सेम ऐसे ही हम इस तरफ से भी फिनिश कर लेंगे। यहां से भी कपड़ा लगा के इस तरीके, ये देखिए, ये मैंने जिप को साइडों से फिनिश कर दिया। अब इसे हम इसके साथ ज्वाइन करेंगे। तो जिप की सीधी तरफ इस तरीके से रखनी है और इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक इस पे सिलाई लगा ली। ये मैंने सिलाई लगा ली। अब इसे पलट लीजिए इस तरीके से और यहाँ पे टॉप स्टिच लगा ली। अब इस तरफ ज्वाइन कर लेते हैं। जस्ट सिंपल इसे इस तरफ रखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा। ये मैंने सिलाई लगा ली। इसे भी पलट लीजिए। देखिए हमारी जिप इंसर्ट होगी। यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लिया। तो जिप हमारी इंसर्ट हो गई। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर की तरफ पॉकेट बनानी है। फैब्रिक लिया, ऐसे लिया 8.5, इसके बराबर इसकी विड्थ लेनी है और ऐसे लिया मैंने 7.5। अब हमें इसे यहाँ पे रखना है। ऊपर की तरफ से फोल्ड कर लीजिए, नीचे की तरफ से फोल्ड कर लीजिए, यहाँ से लेके चारों तरफ इस पे ये मैंने सिलाई लगा ली। तो इस तरीके से हमारी पॉकेट रेडी होगी। अब हमें इसे 1, 2, 3, 4 राउंड शेप देनी है। कितने तो ये हमारी शेप कटिंग हो गई थी। अब हमें साइड के लिए कटिंग करना है। तो इसके मैंने सेंटर पॉइंट पे निशान लगा लिया इस तरीके से फोल्ड करते हुए, यहाँ पे और यहाँ सेंटर पॉइंट पे निशान लगा लिया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हम रफली मेजर कर लेंगे हमें कितना चाहिए। तो आपका जितना भी आता हो इस तरीके से, यहाँ से जितना भी आए उसमें आपको 1 इंच जोड़ना है। तो ये मेरा आ रहा है 19 इंच। स्टिचिंग के लिए जोड़ लूंगी 20 इंच। तो 20 इंच का हमें फैब्रिक चाहिए। तो 2 मिनट इसे साइड पे रखते हैं। तो ये मैंने कपड़ा लिया है, ये मैंने लिया है 20 इंच, सेम जो हमने अभी नापा, और इसकी लंबाई जितनी भी बैग की आप लंबाई बनाना चाहते हैं ये मैंने लिया है 16 इंच। अब हमें क्या करना है, इसे एक तरफ से, किसी भी एक तरफ से ऊपर की तरफ से फोल्ड कर लेंगे। 1 फोल्ड इस तरीके से और इस तरीके से फोल्ड करते यहाँ और यहाँ इसके दोनों ऊपर की तरफ सिलाई लगा। ये मैंने ऊपर की तरफ से इसे फिनिश कर दिया। ये हमारी 20 इंच वाली साइड है। अब हम इसके लिए स्ट्रैप बनाते हैं। 2 मिनट। स्ट्रैप बनाने के लिए सिंपल कपड़ा लिया है 26 इंच 3 इंच, फोल्ड करके सिंपल स्ट्रैप को रेडी कर लीजिए। 1 फोल्ड 2 फोल्ड और एक और फोल्ड। इस ये देखिए, ये दोनों स्ट्रैप मैंने रेडी कर लिया। अब हम स्ट्रैप को ज्वाइन कर लेते हैं। जस्ट यहाँ पे हमें सिंपल इसे स्ट्रैप को ज्वाइन कर लेना है। एक स्ट्रैप को रखना है यहाँ पे, एक स्ट्रैप को रखना है यहाँ पे इस तरीके से नीचे की तरफ। इस तरह स्ट्रैप को ज्वाइन कर लिया, एक स्ट्रैप इसके साथ, एक इसके साथ। अब इसको इसके ऊपर रखना है इस तरीके से रखते हुए, और यहाँ कॉर्नर में दोनों तरफ सिलाई लगा। ये दोनों तरफ मैंने इसके सिलाई लगा ली। तो इस तरीके से हमारा बन गया। अब 2 मिनट इसे साइड पे रखते हैं और ये जो हमने बेस बनाया था ये बेस ले लेते हैं। इसे हम बाद में इसके साथ ज्वाइन करेंगे। अब हमें पहले बेस पे जिप लगानी है। तो इस तरीके से मैंने जिप ली है। ये मैंने लिया 22 इंच की जिप ली है। अब हमें करना क्या है, इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ और यहाँ दोनों सेंटर पॉइंट पे मैंने निशान लगा लिया। अब हमें जिप लेनी है, जिप की सीधी तरफ अंदर की तरफ रखनी है। इस तरीके से रखते हुए यहाँ से हमारी जिप आएगी और ये पूरा राउंड में यहाँ से हम लगाना शुरू करेंगे, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। तो चलिए हम सिलाई लगा लें। ये देखिए, तो जिप लगाते हैं। जिप की सीधी तरफ अंदर की तरफ है, यहाँ से इस तरीके से ये वाला एंड लेना है सेंटर पॉइंट से, यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे इसमें।
पूरे इस पे दोनों तरफ सिलाई लगा दी। अब हमें क्या करना है, जो हमने बनाया था बैग वो हमें इसके साथ अटैच करना है। ये हमने सिलाई लगा ली, अब हमें इसके साथ ज्वाइन करना है। ये जो हमने स्ट्रैप के साथ बैग रेडी किया था इसे हम ज्वाइन करेंगे। तो जो इसका साइड है इस तरीके से साइड वाला है उसे रखना है यहाँ पे। हमने सेंटर पॉइंट का निशान लगाया था पहले, उस निशान पे रखना है इस तरीके से, और गोल घुमाते हुए हम इस पे पूरे पे सिलाई लगा देंगे। इस पे पूरे पे राउंड पे सिलाई लगा ली, बस यहाँ से छोड़ दिया है, यहाँ पे मैंने सिलाई नहीं लगाई है। अब हम इसे यहाँ से इसे सीधा कर, ये देखिए ये हमारी पूरी सिलाई लग गई। पूरे राउंड पे हमने सिलाई लगा दी इस तरीके से, जो हमने बैग बनाया था अटैच कर लिया। यहाँ से बस थोड़ा सा छोड़ दिया, इसे हम बाद में सीधा करके सिलाई लगाएंगे। अब इसे सीधी तरफ को पलट दीजिए इस तरीके से, ये मैंने पलट दिया, तो इस तरीके से आपको इसका बेस दिखेगा। अब जो जिप थी जहाँ से हमने थोड़ा सा छोड़ा हुआ था, वहाँ से जिप को बाहर निकाल लीजिए इस तरीके से। अब ये जो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब ये जो जिप थी इसे हम सीधी तरफ को फोल्ड कर लेते हैं इस तरीके से, मैंने फोल्ड कर लिया। और इसे हम ये जो हमारा थोड़ा सा हमने छोड़ा हुआ था यहीं से हम इसे अंदर की तरफ इंसर्ट कर देंगे। यहाँ से हम इसे अंदर की तरफ डाल देंगे और हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से अंदर की तरफ डाल दिया। अब यहाँ पे सिलाई से इसे क्लोज कर लीजिए। ये देखिए ये जो थोड़ा सा था वहां पे हमने सिलाई लगा दी। तो इस तरीके से देखिए हमारा इसका बेस आ गया। तो ये हमारा फोल्डेबल बैग देखिए बिल्कुल रेडी हो गया। यहां से देखिए काफी अच्छे बड़े साइज में बना है। वाइट बेस है तो काफी सारा सामान आ सकता है। इस तरीके से देखिए काफी अच्छे बड़े साइज में यहाँ पे हमारी स्ट्रैप आ गई है। स्ट्रैप के साथ बिल्कुल सिंपल और इजी तरीके से हमने बनाया। फोल्डेबल है, आप इसे फोल्ड कर सकते हैं। देखिए जस्ट सिंपल हम इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। ये मैंने इसे फोल्ड कर लिया इस तरीके से। फोल्ड करते हुए जिप को लगा लीजिए। इस तरीके से तो ये हमारा फोल्ड हो गया। तो फोल्डेबल बैग देखिए बिल्कुल रेडी हो गया। यहाँ पे हमारी एक जिपर पॉकेट है, मोबाइल वगैरह पैसे वगैरह कुछ भी आप रखना चाहते हैं तो इस तरीके से देखिए मोबाइल इजली आ जाता है। पैसे वगैरह रख सकते हैं, मोबाइल रख सकते हैं इस तरीके से। देखिए ये फोल्डेबल बिग साइज शॉपिंग बैग हमारा बिल्कुल रेडी टू यूज है, बिल्कुल रेडी हो गया। इस तरीके से जिपर पॉकेट के साथ बिल्कुल रेडी। तो जब भी यूज करना हो जस्ट बस इसे यहाँ से खोल के आप मार्केट वगैरह जा रहे हैं तो इस तरीके से इसे यूज कर सकते हैं। बिग साइज फोल्डेबल बैग बिल्कुल रेडी हो गया है।